सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है 18 दिसंबर और आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी। तो फिर ये चले गए हैं सेविंग कराने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे चोट वगैरह लग गई ना, तो खुद डरते हैं करने में। मतलब एक बार पहले, अभी तक ये दूसरी बार करा रहे हैं। अभी इनका आज तो करा लो, आज हमारी एनिवर्सरी है और जल्दी आना, ठीक है? तो ये चले गए, यहीं पे वैसे बाहर गली में ही है। तो आज हमारी एनिवर्सरी है और 10 बज गए, मेरा पूरा काम निपट गया है वैसे। और हम जा रहे थे, सोच रहे थे कहीं घूमने जाते हैं। अभी 1 बजे का टाइम है, 1 बजे बच्चों को लेने जाना है, 1 बजे मतलब 11:45 बजे। तो 12:30 बजे तक हमारे पास टाइम है कि हम घूम सकते हैं। तो सोच रहे कहाँ जाएँ, और फिर हमने सोचा कि गंगा जी चलते हैं। चलो गंगा जी चलते हैं, गंगा के किनारे चलते हैं, गंगा मैया के पास चलते हैं, क्योंकि मंदिर वगैरह तो लेट हो जाएगी, क्योंकि चंडी देवी मनसा देवी के लिए लेट हो जाएगी। या तो फिर बच्चों की छुट्टी कर लेते हैं, बच्चों की छुट्टी कर नहीं सकते क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम है। तो फिर और छुट्टी कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, क्योंकि बस ऐसे ही मैं बहुत कम करती हूँ बच्चों की छुट्टी। कोई इमरजेंसी आती तो ही करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती बच्चों की छुट्टी। तो ये मेरा आज का आउटफिट है, दिखाती हूँ। मैंने अलमारी खुला छोड़ दी। ये है लेगिंग, पहले मैंने प्लाजो भी पहने बट तो अच्छा नहीं लग रहा था इसके साथ प्लाजो, फिर मैंने लेगिंग पहन ली। और पानी चल रहा है, पानी आ रहा है अभी ना। और क्या कुछ बोलना चाह, हाँ ये वही वाला कुर्ता है जो मुझे इन्होंने करवा चौथ पे दिया था। और हाँ एक गिफ्ट, अब ऐसे आप 2-3 कब से नोटिस कर रहे होंगे, तो ये कुंडल दिए इन्होंने मुझे, गोल्ड के हैं ये। अभी बाकी और गिफ्ट लेना। तो ये कुंडल दिए क्योंकि मुझे ना हल्के चाहिए थे, कान के ना छेद बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, इसलिए मुझे हल्के चाहिए थे। तो मुझे मतलब ये ऐसे ही लेने थे, बड़े बड़े तो मेरे पास बहुत है, टॉप्स वगैरह बहुत है, बट ये लेने थे। तो कैसे लग रहे, सिंपल है वैसे, कटिंग वाला डिज़ाइन है, एक मिनट शायद दिख भी नहीं रहे। तो ये दिए हैं इन्होंने मुझे गिफ्ट। और अभी फ़िलहाल कंडीशन ऐसी है क्योंकि मकान का काम चल रहा है जैसा आपको पता ही है, तो बस एक एक पैसा बचाना पड़ता है और देख के चलना पड़ता है। वैसे ये कमी नहीं करते हमारे लिए किसी भी चीज़ में, खाने में हो किसी चीज़ में, बट मुझे खुद ही होता है कि मतलब इतना भार भी नहीं डालना चाहिए ना। तो चलो वहीं मिलूँगी आपको, अब काफ़ी लंबा हो जाएगा व्लॉग में। तो सो फ्रेंड, हम घर से निकल गए हैं और बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि ये गाड़ी चला रहे हैं और मैं पीछे बैठी हूँ। 20-22 दिन हो गए होंगे मतलब जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से। तो यहाँ पे हम हरिद्वार पहुँच गए हैं और हमारे घर से सिर्फ 10-15 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। बट यही है कि आना ही नहीं होता क्योंकि छुट्टी में ससुराल चले जाते हैं हम लोग, और फिर बस और दिन स्कूल रहता है तो आना नहीं होता है। और कम मतलब फर्स्ट एनिवर्सरी में हम घूमने गए थे ऐसे, और वैसे हर एनिवर्सरी में जाते हैं ऐसा नहीं है, बट बच्चों को लेके जाते हैं शाम को जब ये ड्यूटी से आ जाते हैं। और ये 10वीं एनिवर्सरी हमारी है और हम ऐसे घूमने आए हैं, मतलब फर्स्ट में गए थे और आज 10th भी है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ घूमने आए, नहीं तो बच्चों के ही साथ हमेशा गए हैं। था तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाते चलती हूँ कि हरिद्वार का मार्केट कैसा है। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा मतलब जो आए होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मतलब बैठे रहते ना, तो हम वो लेके आ रखे थे खुले पैसे, तो मैंने कहा चलो आप दे दो सबको बैठे रहते। वैसे तो अगर यहाँ पे 200 रुपये के भी सिक्के ले आओगे ना, वो भी कम पड़ेंगे, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, पर जितना हमारे पास था कि हमने कहा चलो यहाँ पे कार पार्क, वो कार बोल रही स्कूटी पार्किंग करी थी, तो यहाँ पे हमने दे दिए। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, मतलब चल जा रहे हैं। और मैंने बताया ना कि 10वीं एनिवर्सरी और हम साथ में हैं, मतलब वैसे हम हर एनिवर्सरी में जाते हैं बट बच्चे भी साथ में रहते, इस बार हम अकेले ही हैं। लेकिन जो वजह है वो अच्छी नहीं है क्योंकि इनकी एक्सीडेंट हो गया था, तो इस वजह से ये छुट्टी पे है, तो इस वजह से हम मतलब यहाँ पे हैं। और तो वॉइस ओरिजिनल ही रखूँगी मैं, आप लोग सुन। तो हमने
ना फ़ोटो भी खिंचवाई थी, जो खिंचवाते ना वैसे तो अपने फ़ोन पे बहुत सारी ली, बट ये होता कि वो उसी समय मिल जाती है ना, 40 रुपीज़ का एक, मतलब एक पे वो फ़ोटो देता है वो, तो दो फ़ोटो हमने खिंचवाई थी। हमने कहा चलो खिंचवा लेते हैं, नहीं तो वैसे बोलते हैं कि निकलवाएंगे निकलवाएंगे लेकिन निकाल नहीं पाते, तो हमने यहाँ पर फ़ोटो भी खिंचवा ली थी। और ये दुकानें ना पुल के ऊपर लगी हुई हैं, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आज मैं हम मतलब बहुत घूमे हम हर की पैड़ी, पूरे पुल वगैरह, और दिन तो आते थे नहा के, मतलब नहाते थे और चले जाते थे वहीं पे, लेकिन आज हम पूरा मतलब इस पुल से दूसरे पुल से घूम के, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। चल हो गया मछली के लिए, करो जी आटा दान जी, करो जी करो फगुओं के लिए दान, करो फगुओं के लिए दान, मछली के लिए कर लो जी आटा दान करते जी। लेना बोले पीली मिठाई बोले, कुछ मिठाई बोले तो पीली है लाने लगे मैंने उत्तर का, देख लो जी दो, इसीलिए मैंने दो वो लिखे। ले जा ले ले जा, हाँ जिम्मेवारी मेरी है, ले जा भाई 400 पटक ली जा रहे हैं। हेलो ट्रेलर बोलिए, क्या लिंगड़ा है ना? नहीं कुछ जड़ी बूटी है वो, उस छुट्टी जल्दी है वहाँ पर बंदे एक बजाय। जो जो जगह मुझे अच्छी लगी कि यहाँ से अच्छी वो आ रही है तो वहाँ वहाँ की मैंने ली है, क्योंकि अगर ऐसे रिकॉर्डिंग करती तो बहुत ज़्यादा हो जाती, बट ये कि जो जहाँ जहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि सीन अच्छा लग रहा है तो वहीं वहीं की मैंने ली है। और मैंने ओरिजिनल रखी है कि आप लोग भी सुनो कि कितना शोर रहता है। बच्चे क्या करेंगे कैसे? बड़े भाई भैया तो यहाँ पे मैं खा रही थी छोले कुलचे, और ये मेरी वीडियो बना रहे हैं, और मुझे ना बहुत पसंद है छोले कुलचे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती है, गोलगप्पे वगैरह सब चीज़ रहती हैं, आप लोग आओगे तो एंजॉय करना। और ये पानी पी रही हूँ पानी पीने की तो, और इसके बाद बता आप निकल गए थे, मैंने इनसे कहा कि आप बनाओ, मतलब हम चलते हैं आप ब्लॉग बनाओ, तो ये बोले यार मुझे ना डर लग रही पकड़ने में कहीं फ़ोन गिर ना जाए। मैंने कहा ऐसे भी पकड़ो कहीं नहीं गिरता, तो बस थोड़ी सी बनाए, उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे बस की नहीं फ़ोन गिर जाएगा। मैंने तब फिर मैंने ही ले लिया था फ़ोन, और सेल्फी स्टिक भी लाई थी मैं, बट वही ना कि मैंने मतलब मैंने निकाला ही नहीं, मैंने पर्स में ही रह गया, तो फिर मैंने ही ले लिया था फ़ोन। इन्होंने कहा मैं नहीं बना पाऊँगा, बोलते ना जिसका काम उसी को साजे, तो बस मैंने फिर अपना काम स्टार्ट कर दिया। इधर की तरफ पूजा करते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे मैंने अपनी सेल्फी स्टिक निकाल ली थी, मैंने कहा जब लाई है तो फोटो वगैरह खींची ना यहाँ से अच्छी आ रही थी, तो मैंने कहा तो फिर मैंने निकाल ही ली, और चलो मैंने कहा ब्लॉग भी बना लेते हैं आप लोगों के लिए, हरिद्वार का नज़ारा शूट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वैसे यहाँ के ना, शांति तो नहीं रहती लेकिन फिर भी मतलब इस शोरगुल में भी शांति सी लगती है और बहुत अच्छा लगता है। और हम तो मतलब इतने वो हैं कि हम आ ही नहीं पाते, इतने पास रह के भी नहीं हम आ पाते हैं, बट लेकिन आ ही गए आज, वैसे तो आ सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट वही रहता है कि शाम को फिर ऐसा हो जाए वो हो जाए, बच्चों को पढ़ाना है ये करना है, तो फाइनली आज हम आ ही गए। तो बस यहाँ से हम लौट रहे थे, अब मतलब जाना ही था, एक घंटा हम कम से कम रहे हैं और काफ़ी हो गया था एक घंटा भी, क्योंकि 15 मिनट का रास्ता है ना तो जल्दी पहुंच गए थे। वैसे हम 11:15 बजे घर से निकले थे, 11 बजे निकले थे शायद, तो बस 12:15 बजे हम यहाँ से निकले, तो वही 11:15 हम यहाँ पहुँचे, 12:15 बजे हम यहाँ से निकले, और क्योंकि हन्नू को लेने जाना था और फिर कुछ सामान भी लेना था, इन्होंने मतलब मेरे लिए कुछ लेना था ना,
तो मैंने इनसे कहा दिखाऊंगी मैं आपको ब्लॉग में। तो मैंने कहा आप कपड़े वगैरह कुछ मत लाना, मैं खुद ले लूँगी जो मुझे चाहिए वो ले लूँगी मैं, क्योंकि फिर लाते कपड़े ही कपड़े हो जाते हैं ना। तो मैंने कहा जो मुझे चाहिए मैं वो ले लूँगी, आप मत कुछ ले के आना। तो यहाँ से बस हम सीधे घर ही निकले थे क्योंकि हन्नु का भी टाइम होने वाला था, स्कूल मतलब छुट्टी छुट्टी का टाइम होने वाला था। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ, और शाम की क्लिप, शाम का जो भी सेलिब्रेशन होगा वो मैं दूसरे व्लॉग में बताऊँगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है व्लॉग। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।